हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था और न्यूटन के और तीन लॉज हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर में, है ना। उसके अलावा भी न्यूटन ने ऐसी बहुत सारी थ्योरीज दी थी जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारी थ्योरी है ना, जिनमें से एक है न्यूटन का मिरर फॉर्मूला। एक मिरर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ठीक है। वो न्यूटन ने नहीं दिया था, न्यूटन ने कुछ और फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला जो है न्यूटन का फेमस नहीं हुआ, उसके अपने कुछ डिसएडवांटेजेस थे, इसलिए वो फेमस नहीं हुआ। फिर भी हम लोग उसको पढ़ेंगे, अभी समझेंगे और देखेंगे उसमें क्या ऐसी दिक्कतें थी जिसकी वजह से वो फॉर्मूला फेमस नहीं हो पाया, है ना। तो जैसा कि हम लोग जो मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं, उस फॉर्मूले में सारे डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करते हैं, है ना। न्यूटन ने कहा कि मैं सारा डिस्टेंस जो है पोल से नहीं मेजर करूंगा, मैं तो सारा डिस्टेंस फोकस से मेजर करूंगा, है ना। और उसने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस सब जो है फोकस से मेजर किया और उसके अकॉर्डिंग उसने एक फॉर्मूला डिराइव किया, है ना। तो वो फॉर्मूला भी हम लोग डिराइव करके देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे, मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया हुआ है और ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है इस मिरर का फोकस है, यहाँ पर फोकस है, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, ऐसा माना जा सकता है। और अगर इधर सपोज ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इमेज जो है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और माइनस इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज कहाँ पर बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, कहीं इधर बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो है इमेज, चूंकि न्यूटन ने कहा कि मैं सारा डिस्टेंस जो है फोकस से मेजर करूंगा, तो इमेज का डिस्टेंस फोकस से जो है उसको मैं लिख देता हूं एक्स आई, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम लोग लेंगे एक्स आई, है ना, यानी पोजीशन ऑफ इमेज। उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ये जो मिरर है, ये जो मिरर है उसके फोकस से हम लोग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ले लेते हैं एक्स ओ, है ना, यानी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। हम लोग एक मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया जाता है यू, है ना। जैसे ये ऑब्जेक्ट है ओ, तो उसका पोजीशन हम लोग निकालेंगे पोल से, जो कि यू कहा जाता है, जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं उसमें, है ना। उसी तरह से इमेज डिस्टेंस जो है उसको हम लोग कहते हैं वी, यहां से पोल के बीच का जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है वी, ठीक है। तो अब देखेंगे यहां पर, ये जो फोकस है, फोकस डिस्टेंस पोल से लिया जाता है एफ, है ना। अगर हमें यहां पर इमेज डिस्टेंस निकालना हो, है ना, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, उसको हमने लिखा यहां पर एक्स आई सिंबल दिया है, और उसकी वैल्यू कितनी आएगी इमेज डिस्टेंस का, वो देखेंगे ये जो वी है उसमें से ये एफ माइनस कर देंगे तो एक्स आई आ जाएगा। आप फिगर में देख सकते हैं, वी है इमेज डिस्टेंस, उसमें से फोकस डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो इमेज डिस्टेंस आएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं वी माइनस एफ। उसी तरह से अगर हमें लिखना हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स ओ, है ना। तो इस डायग्राम में देखें कि एक्स ओ जो डिस्टेंस है वो क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में से अगर मैं ये फोकस डिस्टेंस माइनस कर दूं तो ये डिस्टेंस एक्स ओ आ जाएगा, है ना। तो इसको मैं लिखूंगा यू माइनस एफ, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकल लेंथ जो है वो एफ है, जो कि पोल से मेजर किया गया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो है वो फोकस से मेजर किया गया है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि न्यूटन के फॉर्मूला में सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाते हैं, फोकस से, है ना। तो ये मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहेगा, इन न्यूटन्स
मिरर फॉर्मूला ऑल द डिस्टेंसेस ऑल द डिस्टेंसेज का मतलब है कि ऑब्जेक्ट और इमेज का, ठीक है। फोकस तो वहां से मेजर करेंगे, फोकस से ही मेजर करेंगे तो वो तो जीरो आ जाएगा, तो फोकस डिस्टेंस तो हम हमेशा पोल से ही मेजर करेंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो है वो फोकस से मेजर करेंगे, ठीक है। इन न्यूटन्स मिरर फॉर्मूला ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम फोकस, ठीक है। यहाँ पर ऑल का मतलब मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान में रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, ये दोनों ही फोकस से मेजर किए जाएंगे, ठीक है। अब जो हम लोग मिरर फॉर्मूला जानते हैं वो फॉर्मूला तो सही है, उसी फॉर्मूले को यूज करके हम लोग चाहें तो ये न्यूटन का फॉर्मूला जो है वो डिराइव कर सकते हैं। वो फॉर्मूला क्या है, 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। इसको जब आप रीअरेंज करेंगे तो एक ये वैल्यू आता है, वी इज इक्वल टू यू एफ बाई यू माइनस एफ, ठीक है। आप रीअरेंज करके देख सकते हैं इससे ये फॉर्मूला आता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वी इंटू यू माइनस एफ इज इक्वल टू यू एफ, है ना। तो अब ये जो वी है इसको मैं लिख देता हूँ वी माइनस एफ प्लस एफ, मतलब वी में एफ जो है मैंने ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो जो वैल्यू है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह से हो गया, तो इसको लिखा जा सकता है v माइनस एफ इंटू यू माइनस एफ, मतलब पहले इस टर्म को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया प्लस अब इस एफ को मल्टीप्लाई करेंगे यू माइनस एफ से, एफ इंटू यू माइनस एफ इज इक्वल टू यू एफ। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करते जाना है, v माइनस एफ इंटू यू माइनस एफ प्लस यू एफ माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू यू एफ, ठीक है। तो देखेंगे यू एफ और ये यू एफ कैंसिल हो गया, है ना। तो ये जो मिरर फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा दिखेगा, वी माइनस एफ इंटू यू माइनस एफ इज इक्वल टू एफ स्क्वायर, ठीक है, ये आया। अब आप ध्यान देंगे ऊपर हमने जो वी माइनस एफ है, v माइनस एफ को मैंने इमेज डिस्टेंस लिया था फोकस से और u माइनस एफ को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया था फोकस से। मैं एक बार वो वाला दिखाता हूँ आपको, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो v माइनस एफ जो है वो इमेज डिस्टेंस है और u माइनस एफ जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना। तो ये जो वैल्यू है हम लोग वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो नया जो है रिजल्ट आया है अपने पास यहाँ पर, तो v माइनस एफ जो है वो हो गया इमेज डिस्टेंस फ्रॉम फोकस और u माइनस एफ हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फोकस और इक्वल टू एफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये मिरर फॉर्मूला है ना। और ये जो मिरर फॉर्मूला है ये न्यूटन का मिरर फॉर्मूला है। अब देखेंगे देखने में ये बहुत ही सिंपल दिख रहा है, जो हम लोग मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं वो देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा लगता है, ये बड़ा आसान सा लग रहा है ना। लेकिन जो है ये इसकी खासियत है कि आसान सा लग रहा है, लेकिन साथ में एक डिसएडवांटेज भी है कि जो फोकस है, फोकस का वैल्यू आप निगेटिव में रखेंगे या पॉजिटिव में रखेंगे वो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एफ स्क्वायर है। जो हम लोग पहले फॉर्मूला पढ़ रहे थे, जो ओरिजिनल फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, उसमें स्क्वायर कहीं नहीं आता है ना, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव साइन साथ में रखने से सब्स्टिट्यूट करने से एक्चुअल लोकेशन पता चल जाता है कि मिरर के किस साइड में इमेज होगा, है ना।
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा, नीचे होगा, मिरर के फ्रंट साइड में होगा या बैक साइड में होगा, ये सारी चीज़ें उसमें पता चल जाती है, लेकिन इसमें पता नहीं चलेगी, क्योंकि फोकस आप निगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें सेम रिजल्ट आने वाला है ना। तो इसलिए ये एक डिसएडवांटेज है इस फॉर्मूले में कि एक्चुअल लोकेशन पता नहीं चलता। अगर इसमें से इमेज डिस्टेंस पता भी चल जाए तो हम ये भी बता सकते हैं कि मिरर के किस साइड में होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के किस साइड में इमेज बन रहा होगा, ऊपर या नीचे, ये बताना मुश्किल है इस फॉर्मूले से। और इसीलिए ये जो फॉर्मूला है ज़्यादा फेमस नहीं हुआ और इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते, है ना।